चलिए अब देखिए, हम वो ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं जहां पे आपका प्राइवेट डिफेंस सामने वाले की जान लेने तक आपका साथ देता है, यानी आप सामने वाले की जान ले सकते हो। हम वो ऑफेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। दो तो मैंने बता दिए कि ऐसा असॉल्ट जिससे आपको रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ डेथ हो, ऐसा असॉल्ट जिससे आपको रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट हो। तीसरा ऑफेंस होता है कि आपके ऊपर अगर हमला हो रहा है इस इंटेंशन से कि सामने वाला आपका रेप करेगा, यानी असॉल्ट विद द इंटेंशन टू कमिट रेप, तो आप सामने वाले की जान ले सकते हो। चौथी चीज है असॉल्ट विद इंटेंशन टू ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट। अननेचुरल लस्ट का मतलब होता है प्रकृति विरुद्ध कोई ऐसी लस्ट, या किसको काम तृष्णा कहा जाता है, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है। अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने के इंटेंशन से अगर कोई हमला करता है, आप उसकी भी जान ले सकते हो। असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एबडक्शन, अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है आपको किडनैप करने के पर्पज से या एबडक्ट करने के पर्पज से, आप उसकी भी जान ले सकते हो। और एक हमला होता है असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कंफाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टेंसेस विच मे कॉज टू अप्रेहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर हिज रिलीज। कोई आप पे हमला करता है आपको रॉन्गफुल कन्फाइन करने के लिए, यानी कि आपको गलत तरीके से कहीं पे बंद करके रखने के लिए, और आपको जहां भी वो बंद करके रखेगा वहां पे परिस्थितियां कुछ ऐसी होगी कि आप पब्लिक अथॉरिटी से मदद भी नहीं मांग पाओगे। यानी कोई व्यक्ति आपको आके उठा के ले जाने की कोशिश करता है, आपको कहीं पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पर रखने की कोशिश करता है जिससे कि आप पब्लिक अथॉरिटी से बात ना कर पाओ, मदद ना ले पाओ, तो ऐसे तो आप वहां पे बंद रहोगे, कोई आपकी हेल्प करने भी नहीं आएगा। तो अगर इस इंटेंशन से कोई आप पे हमला करता है तो आप सामने वाले की जान ले सकते हो। और एक सबसे सेवन नंबर पे जो आता है, जो कि लेटेस्ट है, 2013 में इसको ऐड किया गया था, ये था एसिड अटैक। अगर सामने वाला आप पे एसिड अटैक करता है या एसिड थ्रो करने की कोशिश करता है जिससे कि आपको ये अप्रिहेंशन हो कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो आप सामने वाले पे प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर लो और उसकी जान ले लो। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की पे, किसी वुमन पे एसिड अटैक करता है और बॉटल निकालता है एसिड की ऐसे करके और यूं फेंकने के लिए हाथ ऐसे करता है, इतने में अगर वो वुमन उसकी जान ले लेगी तो भी वो वुमन एक्सक्यूज हो जाएगी, क्योंकि उसने डेथ नहीं की, उसने प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया। सेक्शन 100 में उसको यह अधिकार मिला हुआ है। ये एसिड अटैक वाले हमले बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए इसको स्ट्रिक्ट बनाने के लिए 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जब हुआ तभी 7th नंबर पे इसको ऐड किया, वरना यहाँ पे सिर्फ 6 ऑफेंसेस मौजूद थे जो कि अब 7 हो चुके हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। ये 7 ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आप अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की जान ले सकते हो, ठीक है? बट ये इतना आसान नहीं है जितना हमने इसको पढ़ा, इतना आसान नहीं है जितना हमने इसको पढ़ लिया। कुछ पॉइंटर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आप उसको समझिएगा। लॉ इस किसी भी मैन को ये ऑथराइज करता है हु इज अंडर अ रीजनेबल एप्रेहेंशन दैट हिज लाइफ इज इन डेंजर और हिज बॉडी इज इन डेंजर और ग्रीवियस हर्ट मे बी रिसीव्ड, तो यू कैन इन्फ्लिक्ट डेथ अपॉन द एसिलेंट आइदर वेन द असॉल्ट इज अटेम्प्टेड और डायरेक्टली थ्रीटेंड। लॉ इस चीज की अथॉरिटी आपको देता है कि अगर आपको रीजनेबल एप्रेहेंशन है कि सामने वाला आपकी जान लेगा, आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएगा, आप उस हमलावर की जान ले लो। जब वो आपके ऊपर अटैक करे या जब वो आपको डायरेक्टली धमकी दे के आप पे अटैक करने के लिए दौड़ पड़े, ठीक है? बट एक चीज है, वायलेंस इन्फ्लिक्टेड मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन इट इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस। बार बार ये लिमिटेशन बीच में आ जाती है, ठीक है? बार बार ये लिमिटेशन बीच में आ जाती है। उसके बाद यहां पे देखिए, किसी व्यक्ति को 9 चोटें आई है, 9 इंजुरीज, 2 चोट तो उसके वाइटल पार्ट्स पे आई है जहां पे उस व्यक्ति को, मतलब उस चोट के कारण उसकी जान जा सकती है। 2 इंजुरीज आर ऑन द वाइटल पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड। अब एक्यूज्ड ने क्या किया कि इसने अपनी बंदूक निकाल के एक गोली चला दी। चूंकि इसको 9 चोटें लग चुकी थी, उसमें से 2 चोट बहुत गंभीर थी, यानी इतना तो क्लियर है कि सामने वाला इसकी जान ले लेगा, क्योंकि इतना ज्यादा चोट, 9 चोट पहुंचना जिसमें से 2 चोट वाइटल पार्ट्स पे, मतलब रीजनेबल एप्रेहेंशन है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी अगर 1-2 चोट और लगी तो। इसने भी क्या किया, अपनी बंदूक निकाली और इसने गोली चला दी। इसने जब गोली चलाई तो वो गोली एक इनोसेंट पर्सन को लग गई और वो इनोसेंट पर्सन मर गया।
इसने जब अपने सेल्फ डिफेंस, अपने प्राइवेट डिफेंस में जब गोली चलाई तो वो गोली एक इनोसेंट पर्सन को लग गई। तो सवाल उठा था कि इसको तो प्राइवेट डिफेंस मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसने गोली चला के सीधे सामने वाले को मार दिया, जबकि इसको तो सिर्फ 9 इंजुरीज आई थी, सिर्फ चोट पहुंची थी। कोर्ट ने यह माना कि इसको 9 इंजुरीज आई है, 2 इंजुरी इसके वाइटल पार्ट पे है, ये सफिशियंट है इस चीज को शो करने के लिए कि देयर वॉज अ रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ डेथ। और अगर डेथ नहीं भी मानते हैं तो भी ग्रीवियस हर्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, और उन दोनों ही केसेस में हम सामने वाले की डेथ कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में, तो एक्यूज ने भी वही किया, तो इसको जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था वो यहाँ पे मिल चुका था। और इसका जो कॉन्विक्शन हुआ था सेक्शन 304 में, इसका कॉन्विक्शन सेक्शन 304 में हो गया था, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि इसका इंटेंशन नहीं था, बट कोर्ट ने उसको भी सेट असाइड कर दिया। और क्यों सेट असाइड कर दिया? क्योंकि इसने तो प्राइवेट डिफेंस में एक्सरसाइज किया अपना राइट, और प्राइवेट डिफेंस में कोई चीज तो ऑफेंस कहलाती ही नहीं है, आप तो बाहर हो जाते हो जेल के, तो वो चीज यहाँ पे हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो एप्रिहेंशन है वो रीजनेबल होना चाहिए, मतलब सेल्फ क्रिएटेड एप्रिहेंशन नहीं होना चाहिए कि सामने वाला तो कुछ दिखा नहीं रहा है, आप खुद ही अज्यूम कर रहे हो कि अरे ये तो मुझ पर हमला करेगा, और आपने खुद अपना अजम्पशन लिया और सामने वाले को जाके मार दिया, तो दिस एप्रिहेंशन वॉज नॉट रीजनेबल। रीजनेबल एप्रिहेंशन का मतलब होता है कि सामने वाले के एक्ट से, सामने वाले की हरकतों से कुछ ऐसी चीज आपको दिखे, कुछ ऐसी चीज आपको समझ में आए कि वो आप पे हमला करना चाहता है या वो आपकी जान लेना चाहता है। So this is a very important question, and it is a question of fact कि apprehension reasonable था कि नहीं था। और ये question के लिए भी कोई golden jacket formula नहीं है, कोई simple formula नहीं है जो हर case में court इसको apply करे। It depends on the facts and circumstance of the each case। हर case में ये question रहता है कि वो जो reasonable, वो जो apprehension था वो reasonable था कि नहीं था। ठीक है, अब एक एबडक्शन का मैं केस बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। एबडक्शन का मतलब कौन कौन समझता है आप में से? कोई मुझे बताएगा कि किसी को एबडक्शन का मतलब पता है या नहीं पता? बताइए, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कभी सुना है एबडक्शन? क्या लगता है आपको क्या होता होगा एबडक्शन का मतलब, क्या होता होगा? एजम्पशन ही बता दो, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, एग्जैक्ट मत बताओ, एजम्पशन बता दो। चलो किडनैपिंग बता दो। सर लाइक किडनैपिंग ओनली। सर किडनैपिंग इज मतलब जब इल्लीगली मैं किसी को उठा के ले चली जाती हूँ। और एबडक्शन? विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। वही सर, वही कंफ्यूजन है कि एबडक्शन कौन सा है, कौन सा है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और जब आपको ये पढ़ाया जाएगा तब भी आपको पता पड़ेगा कि ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, डिफरेंस बिटवीन एबडक्शन एंड किडनैपिंग। बट मैं आपको बता दूं कि किडनैपिंग जो होता है ना, वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर होते हैं, ठीक है, ज्यादा इलेबोरेट होता है हम ये कह सकते हैं। और एबडक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन आईपीसी में बहुत ही छोटी दी है, इसको अपहरण कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। और इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ये होता है, किसी पर्सन को उसकी प्लेस से मूव अवे करके ले जा, किसी पर्सन को उसकी प्लेस से मूव अवे करके ले जा, ठीक है। किडनैपिंग में भी यही होता है, लेकिन किडनैपिंग में और भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा इंटेंशन एंड ऑल सब उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। बट एबडक्शन में क्या होता है कि किसी को बस किसी की कस्टडी से बाहर निकल के ले जा, अपनी बातों में इस तरह बहला फुसला देना कि आप उसको उसकी बातों में बहला फुसला के उसकी लॉफुल कस्टडी जहां पे वो रहती है वहां से उठा के कहीं और ले जाना। देखिए एक केस बताता हूँ, उस केस से आपको एबडक्शन का मतलब भी क्लियर हो जाएगा। एक वुमन, अ वुमन कुड नॉट बी टेकन अवे बाय फोर्स इवन बाय हर ओन हस्बैंड फ्रॉम अ पैरामोर्स हाउस, एंड इफ दीज सर्कमस्टेंसेस द पैरामोर एंड हिज ब्रदर किल्ड द हस्बैंड टू प्रिवेंट हर एबडक्शन बाय द हस्बैंड, दे वुड बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 100 सब क्लॉज 5। अब पहले तो आप समझ जाओ ये पैरामोर का मतलब क्या होता है, थोड़ा इंग्लिश वर्ड है। पैरामोर का मतलब होता है अ पर्सन, एक लविंग पर्सन। अब ये लविंग पर्सन का मतलब समझ लो, वुमन और ये हस्बैंड के बीच में आ रहा है ये पैरामोर, मतलब कि वुमन जो है वो इससे प्यार वगैरह करती होगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो वाइफ थी वो अपने लवर के घर पे चली गई, ठीक है, और अपने हस्बैंड का मतलब घर छोड़ के वो अपने लवर के घर पे चली गई। हस्बैंड जब वहां पे गया उसके लवर के घर पे, तो देखा कि उसकी वाइफ वहीं थी, तो हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड उसकी वाइफ को फोर्स करने लगा कि तू चल। आप इस केस को मतलब वो इमोशन के साथ मत देखना वरना गलत लगेगा, बट लीगली देखना कि वो वाइफ जो है वो उसके लवर के घर चली गई है। हस्बैंड ने जाके देख लिया तो हस्बैंड ने उस वुमन को फोर्स करा कि चल यहां क्या कर रही है, ऐसे करके बोला और उसको फोर्सफुली ले जाने लगा।
अभी वाइफ किसकी कस्टडी में, अभी वाइफ उसके लवर की कस्टडी में, हस्बैंड क्या कर रहा है, हस्बैंड उसको फोर्सफुली टेक अवे करने की कोशिश कर रहा है। हस्बैंड जब उसको फोर्सफुली टेक अवे करने की कोशिश कर रहा था तो लवर और लवर के भाई यानी वो पैरामोर और वो पैरामोर का भाई उसने देखा कि हस्बैंड उसकी वाइफ को फोर्सफुली लेके जा रहा है यानी कि अबडक्शन कर रहा है। और उस पैरामोर ने क्या किया, वो वाइफ के लवर ने क्या किया, उसने देखा कि जब हस्बैंड अबडक्शन कर रहा है तो उसने हस्बैंड पे अटैक कर दिया और अटैक इतना ज्यादा था कि उनने मिलके हस्बैंड को ऑन द स्पॉट मार दिया। मतलब आप देखो वो हस्बैंड जिसकी मृत्यु हुई है वो वुमन उसी की वाइफ थी, बट वो कहां थी, पैरामोर के घर पे यानी उसके लवर के घर पे। और हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्सफुली लेके जा रहा था, ये चीज जब लवर ने देखी, लवर के भाई ने देखी, तो उन्हें लगा कि हस्बैंड तो एबडक्शन कर रहा है और उन्होंने उस वुमन को बचाने के लिए एबडक्शन करने वाले की जान ली। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस प्राइवेट, इसको प्राइवेट डिफेंस का नाम दिया जाए। तो देखो प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है, एबडक्शन तो हो ही रहा है, चलो ठीक है एबडक्शन तो हो रहा है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को भी अगर फोर्सफुली कहीं लेके जाता है, किसी दूसरे के घर से निकाल कर ले जाता है, तो उसको भी एबडक्शन माना जाता है। यहाँ पे माना गया था इस केस में क्योंकि वो लॉफुल कस्टडी से फोर्सफुली बाहर निकाल रहा है तो वो एबडक्शन कहला गया। और हमने क्या देखा है कि सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग अगर एबडक्शन किया जाता है, हमला किया जाता है एबडक्शन पर, एबडक्शन के पर्पस से, तो प्राइवेट डिफेंस में आप सामने वाले की जान ले सकते हो। उस लवर ने भी उस हस्बैंड की जान ले ली क्योंकि वो एबडक्शन कर रहा था और वो लोग प्रोटेक्ट हो गए, वो लोग बच गए सेक्शन 100 के सब क्लॉज 5 के कारण। बट अगर इस केस को हम देखें तो दिस लॉ सीम्स टू बी कॉन्ट्ररी टू अवर सोशल कंसाइंस, हमारे सोशल कंसाइंस के अगेंस्ट ही है कि अगर एक वुमन को उसका हस्बैंड लेके जा रहा है तो गलत क्या कर रहा है, और वो भी गलत जगह से लेके जा रहा है। बट दिस इंटरप्रिटेशन इज परफेक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 100। लेकिन सेक्शन 100 की लैंग्वेज में अगर इसको देखोगे, लीगल लैंग्वेज में अगर देखोगे, तो ये एकदम करेक्ट है क्योंकि एबडक्शन वाला जो हमला होता है उसमें हम सेल्फ डिफेंस में सामने वाले की जान ले सकते हैं। तो उस लवर ने भी क्या किया, देखा कि वो वुमन का एबडक्शन हो रहा है और उसको बचाने के लिए उसने हस्बैंड की जान ले ली। तो अगर सोशल तरीके से देखोगे तो गलत है, बट लीगल तरीके से देखोगे तो सही है। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस आपने एक्सरसाइज किया है, इस चीज को प्रूफ करने का बर्डन आपके ऊपर रहेगा क्योंकि अक्यूज ने प्राइवेट डिफेंस में काम किया है, तो ही हैज टू प्रूव कि उसने जो किया है वो प्राइवेट डिफेंस में किया है। लेकिन एक बात समझना, मैंने कल भी बताया था, दिस बर्डन इज नॉट एज ऑनरस एज दैट ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस। प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। बट आपको ये प्रूफ करना कि आपने प्राइवेट डिफेंस में किया है, यह उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना डिफिकल्ट प्रोसिक्यूशन के लिए केस प्रूफ करना होता है। ठीक है, मतलब आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना होता है, आप बस कोर्ट के मन में ये सस्पिशन क्रिएट कर दो कि आपने जो किया वो उन परिस्थिति में किया कि आपको सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस मिलना था। बस उसके बाद कोर्ट खुद समझ लेगी। आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये चीज प्रूफ नहीं करना होती है कि आपने प्राइवेट डिफेंस में किया। ठीक है, चलिए सेक्शन 100 में बस इतना ही। सेक्शन 100 यहां पे कंप्लीट हुआ। अब आप आ जाइए सेक्शन 101 पे। सेक्शन 101 क्या बताता है, When such right extend to causing any harm other than death। देखो सेक्शन 101 जो है ना वो सेक्शन 100 का ही कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन क्यों बोला मैंने उसको, क्योंकि देखो हर प्राइवेट डिफेंस ऐसा नहीं हो सकता ना जिसमें आप सामने वाले की मृत्यु कर दो। ऐसे सिर्फ 7 केसेस थे जहां पे आप सामने वाले की मृत्यु कर सकते थे, उसके अलावा दूसरे केस में आप क्या करोगे। तो दूसरे केस में आप जो भी करोगे वो सेक्शन 101 में लिखा है। एनी हार्म शॉर्ट ऑफ डेथ, शॉर्ट ऑफ डेथ का क्या मतलब होता है, शॉर्ट ऑफ डेथ का मतलब कि डेथ मत करना डेथ के अलावा, यानी डेथ इंक्लूडेड नहीं है सेक्शन 101 में, उसके अलावा कोई भी हार्म, एनी हार्म शॉर्ट ऑफ डेथ कैन बी इन्फ्लिक्टेड इन एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन एनी केस विच डज नॉट फॉल विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100। अगर आपका केस सेक्शन 100 में फॉल नहीं करता है, यानी आपका केस रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ डेथ, रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, एबडक्शन, किडनैपिंग, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एसिड अटैक, इन कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, यानी सेक्शन 100 में फॉल नहीं करता है, तो अगर आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करोगे तो जान मत लेना, उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चोट पसा सकते हो। उसके बाद वाइल डीलिंग विद द क्वेश्चन रिलेटिंग टू प्राइवेट डिफेंस,
दिस सेक्शन एंड सेक्शन 100 शुड बी रीड टुगेदर. जब कभी कोर्ट के सामने प्राइवेट डिफेंस का मामला आता है और प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले ने चोट पहुंचाई है या मृत्यु करी है, जो भी करा है, तो उस टाइम पे कोर्ट सेक्शन 101 को और सेक्शन 100 को साथ में पढ़ती है. साथ में पढ़ के डिसाइड करती है कि सामने वाले ने अगर मृत्यु करी है तो क्या सेक्शन 100 में प्रोटेक्शन मिल रही है, या मृत्यु नहीं कर सकता था फिर भी कर दी है तो इलीगल तो नहीं है. ये सारी चीजें, यानी कि सेक्शन 100 को और 101 को साथ में पढ़ा जाता है, क्योंकि दोनों मिला के कंप्लीट हो जाते हैं. यानी डेथ करने वाले मैटर भी आ गए, डेथ नहीं करने वाले मैटर भी आ गए. ये सेक्शन 101 था, इसको यहीं पे रोक देते हैं, सेक्शन 102 पे मूव करते हैं. सेक्शन 102 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच टेल्स यू अबाउट द कमेंसमेंट एंड द कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी. ये आपको बताता है कि जो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो शुरू कब से होता है और कंटिन्यू कब तक होता है और खत्म कब होता है. ठीक है, तो समझना, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको प्राइवेट डिफेंस कब एक्सरसाइज करना है. समय के पहले कर दोगे तो भी गलत है, समय के बाद कर दोगे तो भी गलत है. मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल बताया था कि आपके ऊपर किसी ने हमला किया, जब उसने आपके ऊपर हमला कर दिया तब तो आप उसको मारो, लेकिन जब आपने उस पर अटैक करना शुरू किया प्राइवेट डिफेंस में तो वो डर गया, उसे लगा कि आप तो बड़े पहलवान हो, आप तो बड़े ताकतवर, वो डर गया और वो भागने लगा, वो अपने आप को बचाने के लिए भागने लगा. और जब वो अपने आप को बचाने के लिए भागने लगा तो आप उसका पीछा करने लगे, और आप उसका पीछा करने लगे और उसको पकड़ पकड़ के मारने लगे. वो अपनी जान बचा के भाग रहा है. माना कि वो उसने आप पे हमला किया, माना कि आपने उस पर प्राइवेट डिफेंस में हमला किया, लेकिन जब वो अपनी जान बचा के भागने लगा तो आप उसके पीछे दौड़ के उसको पकड़ रहे हो और मार रहे हो. क्यों कर रहे हो ऐसा? आप ये नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्राइवेट डिफेंस के शुरू होने का और प्राइवेट डिफेंस के कंटिन्यू रहने का और प्राइवेट डिफेंस के खत्म होने का एक पर्टिकुलर टाइम है जो सेक्शन 102 ऑफ इंडियन पिनल कोड आपको बताता है. अगर आप इस टाइम लिमिट के बाहर निकल के या इस टाइम लिमिट के पहले आप अगर प्राइवेट डिफेंस करते हो तो वो इलीगल कहलाएगा. आपको सामने वाले को तब तक ही मारना है जब तक वो आपको एप्रिहेंशन ऑफ डेंजर दे रहा हो, जब तक वो आपके लिए खतरा हो, जब वो खुद आपको खतरा समझ के अपने आप को बचा रहा है, तब आप उस पर अटैक क्यों कर रहे हो? वो तो इलीगल है, वो तो खुद एक हमला कहलाएगा फिर. ठीक है, तो ये चीज समझना, इसलिए टाइम फ्रेम की बहुत जरूरत है. तो दिस सेक्शन इंडिकेट्स व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंसेस एंड टिल व्हाट टाइम इट कंटिन्यूस. द राइट कमेंसेस एज सून एज द रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट और कमिट द ऑफेंस although the offense may not have been committed. देखो एक चीज समझ लो, ये जो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट है ना, ये शुरू तब हो जाता है जब आपको रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ डेंजर हो जाए. मतलब आपको ये पता चल जाए कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, चाहे सामने वाला उस चीज को अटेम्प्ट करे तो आपको मालूम पड़ जाए, या सामने वाला आपको धमकी दे तो मालूम पड़ जाए, या सामने वाला उस ऑफेंस को कर दे तो मालूम पड़ जाए. ये मालूम आपको तीन केस में पड़ सकता है. सामने वाले ने कोशिश करी तो मालूम पड़ गया, सामने वाला मुंह पे बोल रहा है कि देख भाई मैं तेरा मर्डर करने आ रहा हूं और चाकू लेकर दौड़ पड़ा आपके ऊपर, ये धमकी थी और दिख भी रहा है, तो यहां पे भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि अप्रिहेंशन ऑफ डेंजर है. और तीसरी चीज आपको कब मालूम पड़ती है? जब वो अटैक कर देता है. तो अटेम्प्ट करने पे भी मालूम पड़ जाएगा, धमकी देने पे भी मालूम पड़ जाएगा, और कमिट करने पे भी मालूम पड़ ही जाएगा. तो इन तीनों ही केसेस में आपको रीजनेबल अप्रिहेंशन ऑफ डेंजर आ जाता है. और जैसे ही आपको रीजनेबल अप्रिहेंशन ऑफ डेंजर आता है, वहीं पर आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट कमेंस हो जाता है. और इस चीज को ध्यान रखिएगा, वो ऑफेंस हो जाए, वो ऑफेंस कमिट हो जाए, ये जरूरी नहीं है प्राइवेट डिफेंस के लिए. सिर्फ अटेम्प्ट हो, सिर्फ धमकी हो, इसमें भी प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है. ठीक है, यानी फॉर स्टार्टिंग फॉर कमेंसिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंस हैव बीन कमिटेड. ये जरूरी नहीं है. ठीक है, तो चलो कमेंसमेंट तो समझ में आ गया. अब चलेगा कब तक? इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द डेंजर टू द बॉडी एग्जिस्ट. बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है कि ये तब तक चलेगा जब तक आपकी बॉडी को खतरा रहेगा. यानी जब तक सामने वाला आपको खतरा देते रहेगा तब तक ये राइट आपके पास रहेगा. मेरे वाले जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था उसमें तो वो व्यक्ति अपनी जान बचा के भागने लगा था ना. जब वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है तो मुझे बताओ वो आपके लिए खतरा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये राइट आपका तब तक चलेगा जब तक आपको डेंजर हो. उसके बाद रीजनेबल एप्रिहेंशन, द रीजनेबल ग्राउंड इज अ वेरी रिक्विसाइट. ये चीज समझना कि एप्रिहेंशन शैल बी रीजनेबल, मैं आपको 5 से 6 बार बोल चुका हूँ. एप्रिहेंशन सेल्फ मेड नहीं होना चाहिए, सेल्फ क्रिएटेड नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए. और उसके बाद देर इज नो राइट टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट ऑन द रॉन्ग डूअर आफ्टर द एप्रिहेंशन इज सीज टू एग्जिस्ट. अगर एक बार एप्रिहेंशन खत्म हो गया, अगर एक बार खतरा टल गया, तो आपके पास फिर कोई अधिकार नहीं है सामने वाले को मारने का.
वो जो व्यक्ति मेरे वाले एग्जाम्पल में आपको मार के भाग रहा था, वो अपने आप को बचा के भाग रहा था, वो मतलब कि आपका एप्रिहेंशन खत्म हो चुका था, आपको कोई डेंजर नहीं थी उससे, तो फिर आप उसको क्यों मार रहे हो? आप नहीं मार सकते, यू डोंट हैव एनी राइट टू इन्फ्लिक्ट द पनिशमेंट. वो गलत ही क्यों ना हो, वो गलत है तो भी आप उसको नहीं मार सकते, क्योंकि अब आपको उससे खतरा नहीं है. ठीक है? और एक चीज और समझ लो, ये प्राइवेट डिफेंस जो आप करते हो, ये आप सामने वाले को सजा देने के पर्पज से नहीं करते हो, ये आप अपनी रक्षा करने के पर्पज से करते हो. रक्षा आपको तब तक ही करना है जब तक आपको उसको करने की जरूरत होगी, उसके बाद कानून को अपने हाथ में मत लेना. ये मत सोचना कि तूने मुझ पर अटैक करने की कोशिश कैसे की, अब तो मैं तेरी जान ही लूंगा, ये मत करना, क्योंकि यू डोंट हैव एनी राइट टू डू दैट. ठीक है? तो सेक्शन 102 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ. कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप समझ चुके होंगे. अब इसके कुछ ले दे के तीन सेक्शन और बचे, चार सेक्शन और बचे, जो हम मंडे को पढ़ लेंगे. उस दिन हम इसको कंप्लीट करके, मंडे को हमारे स्टार्टिंग हाफ में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और जो बचा हुआ हाफ रहेगा उसमें मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ, ओरल टेस्ट. हमने जितना पढ़ा है उन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा. तो आप लोग मंडे तक एटलीस्ट सेक्शन 102 तक, और अगर आपको आगे के एक दो तीन सेक्शन समझ में आ जाए तो वो भी पढ़ के आ जाना. तो मैं आपको इतना कवर करवाने के बाद एक टेस्ट आपका लेने वाला हूँ. ठीक है? चलिए, आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए.